सुबह सुबह आज फोन आया दिल्ली का एक लड़का, बोले मैं बहुत वरीड हूं, मुझे मेरे गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है, तो मैं क्या करूं। काफी वरीड था, डिप्रेस था, नर्वस था, परेशान। तो बोले अभी मैं ऐसा क्या करूं, मैंने क्या करना चाहिए कि उसने खुद होके वो ब्लॉक निकालना चाहिए और खुद होके उसने मुझे फोन करना चाहिए। मैंने बोला देखो भाई, आपको अलग अलग तरीके से ये स्थिति को देखना पड़ेगा। नंबर एक, सामने वाली व्यक्ति जो है वो एकदम उनका चाइल्डिश बिहेवियर है, ऐसा हो सकता है कि चाइल्डिश बिहेवियर है, बहुत मतलब बचपना टाइप, कि वो कभी ब्लॉक कर देंगे, कभी खोल देंगे ब्लॉक, कभी चालू करेंगे कम्युनिकेशन, कभी बंद करेंगे, कभी गुस्सा आ गया तो ब्लॉक करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि गुस्से में कर दिया या बचपना है। कुछ लड़कियों को ऐसा रहता है कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, मतलब उनके तरफ ध्यान दिया ज्यादा तो वो आपसे दूर निकल जाएंगी, फिर ज्यादा भाव देंगी नहीं, और आपने भाव नहीं दिया तो फिर आपके पीछे पीछे आएंगी। मतलब आपको समझता नहीं कि अभी इसको मैं चाहूं, मतलब वो मैं चाहती है मुझे कि नहीं चाहती है। हम दूर गए तो वो पीछे आएंगी, हम उसके पीछे गए तो वो भाग जाएंगी। तो मतलब इस तरह का कुछ हो सकता है, आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये इसका बचपनापन है या ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड है क्या। नंबर एक। नंबर दो, उसने ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप के ऊपर, फोन ब्लॉक कर दिया, फेसबुक ब्लॉक कर दिया, मतलब सब ब्लॉक कर दिया, सब अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया है। अभी वो नहीं चाहती आपसे संबंध रखना। हो सकता है कि उसको और कोई दोस्त मिल गया, हो सकता है कि कोई अल्टरनेटिव उसको चॉइस आ गया उसके जीवन में, और अभी वो उसने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और उसको लगता है कि नहीं अभी आपसे रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए मैंने। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या दिमाग में विचार आ गए, कैसे विचार आ गए, उसने ऐसा क्यों किया, उसको नया लड़का या और उसको और कोई दोस्त मिल गया है तो वो ऐसा कैसा मिला, मेरे में क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है। मतलब ये ऐसा करना और उसके बारे में सोचना, इसमें कुछ पड़ा नहीं है। उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो कोई भी तरह से वो आपको कांटेक्ट, आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। आपने अलग अलग नंबर लिए, अलग अलग नंबर से कॉल करके देखा, बीच वाले लोगों को बोला कि उससे कांटेक्ट करो मेरे से बात करने के लिए, सब तरीके आपने अपना लिए, मगर अभी वो आपसे संबंध नहीं रखना चाहती है। तो फिर खलास, फिर आपने पीछे पीछे जाने में मतलब नहीं, छोड़ दो। नंबर तीन सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आपने उसको इतना तंग किया कि वो मतलब ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गई, इरिटेट हो गई, और उसने अभी वो नहीं चाहिए भाई, इसलिए बंद कर दिया। मतलब इतना ओवर कम्युनिकेशन, इतने कॉल्स, इतने कमेंट्स, फिर ज्यादा समय तक बात करना, वो बिजी है तभी भी बात करना, फिर उसके ऊपर शक लेना कि भाई मैं आपको कांटेक्ट किया और आप ऑनलाइन थी तभी भी मेरे को जवाब नहीं दिया, या मैं फोन किया और आपका फोन बिजी था इसका मतलब आपका कहीं कांटेक्ट है। मतलब ऐसे इस तरह से बहुत शक करना, चिड़चिड़ा बंद करना, बहुत पीछे लगना, जवाब दिया नहीं व्हाट्सएप को तो तुरंत फिर शक करना कि जवाब दिया नहीं, फिर आपने तो देखा है व्हाट्सएप, फिर जवाब क्यों नहीं दिया, फिर आपने बाकी लोगों को जवाब दिया मुझे क्यों नहीं दिया। मतलब इस तरह से बहुत झंझट कर लेना और बहुत पॉसेसिवनेस रखना उसका, तो वो फिर लड़की तंग आ जाती है, बोलती यार ये अभी इतनी तकलीफ दे रहा है, आगे चल के क्या होगा। तो इतनी तंग आ गई कि वो अभी संबंध नहीं रखना चाहती। तो अभी इसमें आपने क्या करना चाहिए, इसमें आपने अभी अपने तरफ से, अपने खुद के तरफ से कम्युनिकेशन बंद करना है, बिल्कुल पीछे लगना है। कुछ नहीं करना है कि भाई नया सिम लो, तो आपने 50-20 सिम लिए तभी वो क्या एक बार लेंगी, बाकी बाद में फोन बंद कर देंगी, ब्लॉक कर डालेंगी। तो नया सिम लेना है या लोगों को बोलना है, बीच में किसको डालने का है, उसके दोस्त को बोलना, अपने दोस्त को बोलना, इधर से उधर से, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप खुद को स्टॉप कर दो, आप खुद को रेयर करो। रेयर करो मतलब इजी हाथ में आने वाले नहीं, ऐसा क्योंकि आप इजी इतने आने वाले नहीं है। आपने जो एक्सेस कर दिया वो भी मिटाना है तो आपको स्केयरसिटी लानी पड़ेगी। जहां स्केयरसिटी है फिर वहां वो फिर से आने का चांस बन सकता है। तो आपको खुद को स्केयरसिटी लानी है, मतलब आप अवेलेबल नहीं हो। उसने जवाब भी दिया, उसने फोन भी किया, तभी आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप नहीं लेंगे फोन उसका, अभी उसके तरफ से कितनी भी ट्राई समझो, एक आधी बार गलती से भी लग गया तो भी आपने फोन लेने का नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वो फोन लगाती है, फोन फटके बंद कर देती है। आपको फोन लग गया बोले, आप बोलोगे तुरंत उसको फोन कर देंगे, बोलते नहीं नहीं मैंने गलती से किया आपको फोन। मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक्चुअली वो टेस्ट करना चाहती है, आपने फोन लेना भी नहीं है, उसने फोन किया तभी लेना नहीं है। आपने खुद को स्केयर्स करने का है, मतलब स्केयर करने का, स्केयर्स करना मतलब ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं करना है खुद की, स्केयरसिटी करना है, ना रिस्पॉन्ड करना है, ना फोन लेना है, ना जवाब देना है, ना व्हाट्सएप का जवाब देना है, अपने आप को कट कर देना। तो जब जिसकी स्केयरसिटी होती है फिर उसकी कीमत बढ़ती है। देखो गोल्ड स्केयर्स है ना, कम है ना गोल्ड, तो उसकी बहुत ज्यादा कीमत है। स्टील जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, स्टील की कीमत कम है। तो जिसकी जो अवेलेबल नहीं होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। अपने आप को आप अवेलेबल इजीली मत करो,
देखो हो सकता है कि वापस आएंगे, और नहीं आई तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसने आपको ठप्पा लगा दिया होगा कि ये पेशेंट है, ये बहुत तंग कर रहा है, ये खुद पेशेंट होगा, उसने ठप्पा लगा दिया होगा और वो नहीं चाहती अभी, तो छोड़ दो। तो ये आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ आगे चाल मिल जाएंगे जीवन के लिए, आगे कुछ ना कुछ कर सकोगे, नहीं तो वहीं अटके पड़ेंगे, रोते रहेंगे, खुदकुशी के विचार है, डिप्रेशन है, तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाले को नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती वहां जा जाके पढ़ते हो, क्यों जब जबरदस्ती जा जाकर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, आप अपने आप को मूल्यवान बनाओ, देखो फिर आपकी कीमत बढ़ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।